हाल के दिनों में मीरा भाईंदर इलाके में कई तरह के अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि काशीगांव पुलिस ने दो अलग अलग अपराधों के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भारतीय दंड संहिता 2023 धारा 333 के तहत काशीगांव पुलिस ने मारुति कंपनी की वेगनार कार चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काशीगांव पुलिस स्टेशन में 181/24 ऐसे दो ऑफेंसेस कार चोरी के रजिस्टर थे। ये इसके इन्वेस्टिगेशन में लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमने खंगाले। उसके बाद हमें एक जो आरोपी है अहमद नियत अली शेख, इसको हमने गोवंडी से अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन में उसके ऊपर और भी दो गुने, मीरा रोड के भी एक कार और एक मुंबई की, ऐसे चार कार जो है हमने बरामद की है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप किस तरह से कार चुराते थे और चोरी हुई कार पर क्या करते? चोरी हुई कार का आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो स्क्रैप हुई कार है उसके नंबर प्लेट ये यूज करते थे, कलर चेंज करते थे और बाहर मार्केट में जो है उसको बेच देते थे। वो तो रेकी करके ही चोरी करते थे। सर, आरोपी अकेला ये कर रहा था कि उसका और भी कोई साथी और उसके साथीदार है उसमें उसको मदद करने के लिए, तो उनको भी हम ढूंढ रहे हैं। इंटरस्टेट गैंग है सर के? इंटरस्टेट गैंग है। कुछ लोग उसके साथी हैं क्या इसमें कार चोरी में? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कार चोरी की वारदात के साथ काशीगांव पुलिस ने कार्यवाही किए हुए एक और अपराध की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस को फाउंटेन होटल परिसर में अवैध रूप से हथियार सप्लाई करने की जानकारी मिली थी। इस जानकारी के तहत कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में पुलिस उपायुक्त ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काशीगांव पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस कांस्टेबल मंगेश रक्षे, इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक वेपन बिक्री के लिए आ रहा है, तो वही इन्फॉर्मेशन पे पुलिस ने वहाँ पे उसको रंगे हाथ पकड़ा। उसके पास से हमें एक फायर आर्म और एक राउंड ऐसा मुद्देमाल जो है बरामद हुआ है। इसमें आरोपी को अरेस्ट किया गया है और उसको 6 अगस्त तक पुलिस कस्टडी मिली है। उसने ये जो वेपन है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से गोलू कुमार करके आरोपी है उससे लाया था, तो अभी उसके हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे जो जिसके पास बेचने वाला था उसका भी नाम सामने आया है, अभी उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो आरोपी पकड़ा सर, इसके पहले कुछ गुनाह है या इस तरह से ये तस्करी करता है या क्या कुछ काम है? अभी तक तो उसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं, लेकिन अभी हम यूपी पुलिस से भी उसकी मालूमात ले रहे हैं। आरोपी रहने वाला कहाँ का है? फतेहपुर यूपी। यूपी से वो हथियार लगा मीरा भाईंदर बेच रहा, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ इस्तेमाल होने वाला है, जानकारी है कि किस पर्पज से मंगाया? नहीं, अभी उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी प्राइमरी लेता उसका पीसी मिला है 6 तारीख तक, आगे कार्रवाई चल रही है। मीरा भाईंदर इलाके में हुए इन अपराधों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।